फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। खाने के तेल की कीमतें फिर उछल सकती हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद से न सिर्फ कच्चे तेल की आपूर्ति खतरे में आई है, बल्कि यूक्रेन से सूरजमुखी तेल की खेप लेकर भारत आने वाले मालवाहक जहाज भी देर से यहां पहुंचेंगे। खाद्य तेल उत्पादक कंपनियों ने यूक्रेन संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है और उनका मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर लड़ाई छिड़ती है तो यूक्रेन से आने वाले मालवाहक पोतों को रूस रोक सकता है। उन्होंने साथ ही इस बात पर भी चिंता जताई है कि अगर रूस पर प्रतिबंध लगते हैं तो इससे भारत को दोगुना नुकसान होगा, क्योंकि भारत यूक्रेन के अलावा रूस से भी सूरजमुखी तेल का आयात करता है। यूक्रेन संकट से सूरजमुखी तेल की खुदरा कीमतों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब अर्जेंटीना और रूस से तेल खरीदा जा सकता है। उम्मीद जताई गई है कि यूक्रेन संकट अधिक नहीं गहराएगा और आने वाले समय में इसका हल निकल जाएगा। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि भारत हर महीने करीब 2,00,000 टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है और कभी कभी यह आंकड़ा 3,00,000 टन तक भी पहुंच जाता है। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 60% खाद्य तेल आयात करता है और वैश्विक पटल पर किसी भी हलचल का प्रभाव इस पर पड़ता है। उनके मुताबिक भारतीय आयातक यूक्रेन के विकल्प के रूप में रूस और अर्जेंटीना को देख सकते हैं। यूक्रेन की तरह रूस भी सूरजमुखी का बड़ा उत्पादक है। भारत में आयाती सूरजमुखी तेल का 70% हिस्सा यूक्रेन, 20% रूस और 10% अर्जेंटीना का है। यूक्रेन करीब 170,00,000 टन, रूस करीब 155,00,000 टन और अर्जेंटीना करीब 35,00,000 टन सूरजमुखी के बीज का उत्पादन करता है। पेराई के दौरान इन बीजों के वजन का करीब 42% तेल निकलता है। यूक्रेन और रूस से आयातित तेल की कीमत कमोबेश एक समान है। इनकी वैश्विक कीमत 1500 से $1,525 प्रति टन के करीब है। उनका मानना है कि पिछले 20 दिन से यूक्रेन से भारत आने वाली सूरजमुखी तेल की खेप में देर हो रही है और मालवाहक पोतों की कतार खड़ी हो गई है। अगर यूक्रेन संकट 2 से 3 सप्ताह और जारी रहता है तो इसका दबाव भारतीय बाजार पर देखने को पड़ सकता है, क्योंकि भारत में तेल भंडार को भरा नहीं जा सकेगा। उम्मीद है कि फरवरी से मार्च के बीच यूक्रेन से 1.5 से 2 लाख टन सूरजमुखी तेल की आवक होगी। फरवरी में यूक्रेन से एक भी जहाज सूरजमुखी तेल को लेकर रवाना नहीं हो पाया है। सूरजमुखी तेल का देश का सबसे बड़ा बाजार दक्षिण भारत है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक यूक्रेन के साथ भारत का द्वीपक्षीय कारोबार 2019-20 के दौरान $2.52 अरब का था, जिसमें $463.81 अरब का निर्यात और $2,060.79 अरब का आयात शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।